नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। भारत में तेजी से नीचे जाते कोरोना ग्राफ में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 90 लाख के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 45,576 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 585 लोगों की मौत हुई है। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 89,58,483 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 83,83,602 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि देश में इस समय 4,43,303 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,31,578 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के मुताबिक अभी तक कुल 12,85,08,389 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि सिर्फ बुधवार यानी कि 18 नवंबर को 10,28,203 सैंपल टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के आंकड़ों ने देश की धड़कन बढ़ा दी है। बुधवार को राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,486 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान संक्रमण से 131 और मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एक दिन में कोविड-19 से मरने वालों की ये अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले 5 लाख से ज्यादा हो गए हैं और मृतकों की संख्या 7,943 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,011 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में बुधवार को संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 17,57,520 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में संक्रमण से 100 और लोगों की मौत के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 46,202 हो गई है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो राज्य में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,668 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,41,885 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक 54 और मरीजों की मौत होने से प्रदेश में संक्रमण से मृतकों की संख्या 7,820 हो गई है। इस बीच 4,429 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 4,07,769 हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 2,390 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 5,16,616 हो गया है। वहीं बुधवार को कोरोना संक्रमण से 30 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 7,441 लोग अब तक इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।